दोस्तों ये कहानी है जैक और मेरी की। ये दोनों रूममेट्स हैं और फर्स्ट क्लास से ही दोनों साथ में हैं और अच्छे दोस्त भी हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं लेकिन कभी ये बात एक दूसरे को बता ही नहीं पाते। ये दोनों पैसा कमाने के लिए एक एडल्ट मूवी बनाते हैं जिसमें दोनों साथ में इंटीमेट भी हो जाते हैं लेकिन तब भी अपना प्यार का इजहार नहीं कर पाते। दोस्तों क्या ये अपने प्यार का इजहार कर पाते हैं या नहीं, चलिए देखते हैं मूवी में। मूवी शुरू होती है, हम मेरी नाम की एक लड़की को देखते हैं। नींद से उठते ही वो अपने रूममेट जैक को जगाने चली जाती है क्योंकि उनको ऑफिस के लिए देरी हो रही थी। मेरी और जैक फर्स्ट क्लास से ही दोनों साथ में हैं और बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं। फिर दोनों साथ में काम पर निकल जाते हैं। जैक मेरी को उसके ऑफिस के पास छोड़ देता है। उसके बाद जैक कॉफी शॉप में चला जाता है जहाँ पर वो काम करता है। उसी कॉफी शॉप में एक और आदमी डैनली भी काम करता है। डैनली ब्लैक है तो उसका बॉस उसे बोलता है कि इस ब्लैक फ्राइडे के दिन भी तुम काम करना। ये सुनकर डैनली बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने बॉस से बोलता है कि तुम रेसिस्ट हो, ब्लैक फ्राइडे के दिन भी तुम मुझे काम करने के लिए कैसे बोल सकते हो, ये कितनी शर्मनाक बात है। इस वजह से डैनली का अपने बॉस से झगड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पर जैक आता है और फिर वो जैक के ऊपर भी गुस्सा करने लगता है। बॉस को गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि वो कभी कभी कॉफी शॉप में थोड़ा मस्ती किया करता है। वो उससे बोलता है कि जल्द ही यहाँ पर मैं कैमरा लगवाने वाला हूँ, फिर तुम्हारी सारी मस्ती बाहर निकल जाएगी। ये बोलकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद डैनली और जैक बात करने लगते हैं। बातों ही बातों में मेरी का नाम आ जाता है। उनकी बातचीत से पता चलता है कि जैक मेरी को पसंद करता है मगर उसने अभी तक मेरी को इस बारे में कभी बताया ही नहीं है। डैनली उससे पूछता है कि तुम उसके साथ आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहते हो। जैक उससे बोलता है कि अगर मैं उसके साथ रिलेशनशिप शुरू करूं तो चीजें अजीब हो सकती हैं। वो रूममेट है मेरी, रूममेट के साथ ऐसा कुछ होना थोड़ा अजीब हो सकता है। आज रात मुझे मेरी के हाई स्कूल रियूनियन में जाना है। वही रात को मेरी जैक के पास उसके कॉफी शॉप में आई और वहीं पर मेरी कपड़े बदलने लगती है। तभी कॉफी शॉप में बैठे दो लड़के मेरी का वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। ये देख जैक उनके वीडियो के सामने ही अपना पैंट उतार कर बोलता है कि अब इसका वीडियो बना तू। उनकी हरकतों की वजह से जैक दोनों लड़कों को कॉफी शॉप से भगा देता है। कपड़े बदलने के बाद मेरी जैक को अपने ड्रेस दिखाकर पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। ड्रेस देखकर जैक बोलता है कि तुम तो मैकडॉनल्ड्स की एम्प्लॉई लग रही हो इसमें। ये सुनकर मेरी अपना ड्रेस बदल लेती है। फिर थोड़ी बातचीत के दौरान पता चलता है कि दोनों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और इस वजह से अभी तक दोनों ने पानी का बिल तक नहीं भरा था। तभी मेरी नोटिस करती है कि पानी आना बंद हो चुका है तो मजबूरन मेरी को अपने टॉयलेट के टैंक का पानी इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके बाद दोनों रियूनियन में जाने के लिए निकल जाते हैं। पहुंचने के बाद रिसेप्शन पर जैक को अपनी एक पुरानी फ्रेंड मिल जाती है तो जैक उससे फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है। तभी उसकी फ्रेंड बता देती है कि मैं मैरिड हूँ, पर ये सुनकर जैक को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जैक और मेरी अंदर आ गए और ड्रिंक लेने लगे। तभी जैक का और एक पुराना फ्रेंड आता है। उसका बिहेव भी जैक जैसा ही था इसीलिए मेरी उसे अंदर आकर बोलती है, लेकिन जैक अपने दोस्तों को यहाँ पर देखकर ज्यादा खुश नहीं होता क्योंकि वो तो यहाँ सिर्फ लड़कियों के लिए आया था। मेरी भी अपनी धुन में खो जाती है। उसे उसकी ही क्लास का एक लड़का बॉबी काफी पसंद आया था तो वो उसके पास जाकर उससे फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है। उसी दौरान जैक आकर एक लड़की के पास बैठ जाता है। वो लड़की अपने हस्बैंड की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि ये मेरे हस्बैंड हैं। वहीं उसका हस्बैंड भी दूसरी लड़की उसे फ्लर्ट कर रहा था, इस वजह से वो अपसेट हो जाती है। जैक भी परेशान था तो वो उस लड़की को सीड्यूस कर लेता है और अपने साथ इंटीमेट होने के लिए पूछता है तो वो जैक की बात मान जाती है। फिर वो दोनों एक कमरे में जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। कमरे से निकलते वक्त जैक की मुलाकात ब्रैंडन नाम के एक लड़के से होती है जो कि एडल्ट वीडियो बनाता है। ये ट्विस्ट जैक के लिए भी चौंकाने वाला था। ब्रैंडन गे है और उसका हस्बैंड भी है जिसका नाम बॉबी है। ये सुनते ही जैक हंसने लगता है क्योंकि मेरी तो उसी बॉस के साथ फ्लर्ट कर रही है। इसके बाद वो ब्रैंडन को मेरी और बॉबी के पास ले जाता है। वहीं सच जानकर मेरी भी निराश हो जाती है। तभी ब्रैंडन मेरी को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि असल में उसने मेरी का एक वीडियो किसी एडल्ट वेबसाइट पर देख लिया था। ये वही लड़के थे जिन दोनों ने उसका वीडियो बनाया था, उन दोनों ने उसे अपलोड भी कर दिया था और अब वो वीडियो वायरल हो चुका है और सिर्फ 3 घंटे में ही उसमें 2 लाख से भी ज्यादा व्यूज आ चुके थे। ये बताने के बाद ब्रैंडन मेरी के साथ फोटो लेता है क्योंकि अब वो एक तरह से सेलिब्रिटी बन चुकी है। इसके बाद जैक और मेरी घर वापस आते हैं और घर आते ही बिजली गुल हो जाती है क्योंकि उन दोनों ने बिजली का बिल तो भरा ही नहीं था। जिसके बाद वो दोनों एक बार में जाते हैं। तभी जैक के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो मेरी से बोलता है क्यों ना हम एडल्ट वीडियोस बनाकर पैसे कमा लें, पर मेरी तो इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार ही नहीं थी।
जैक बोलता है कि इस तरह के वीडियो बनाकर हम दोनों बहुत अमीर बन सकते हैं, मगर मेरी इस बात से राजी नहीं होती और हिचकिचाने लगती है। जिसके बाद जैक रोजाना मेरी से यही सवाल पूछता है। कॉफी शॉप में भी वो यही बोलता है, वीडियो में सिर्फ हम दोनों इंटीमेट होंगे, हम सिर्फ एक्टिंग करेंगे, उसमें ज्यादा कुछ नहीं होगा। जैक रूममेट है, ये सोचकर मेरी को बहुत ही अजीब लगता है। जैक बोलता है कि ये सिर्फ वीडियो के लिए है, असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रात को जैक मेरी से दोबारा यही पूछता है और उसके बाद मेरी मान ही जाती है। अगले दिन जैक डेनली की मदद लेता है, जिसके बाद वो तीनों मिलकर एडल्ट मूवी के लिए कास्ट ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इसके लिए वो काफी लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं। गौर करने वाली बात तो ये है दोस्तों कि मूवी की प्रोड्यूसर कोई और नहीं बल्कि खुद डेनली ही है। कास्ट डिसाइड करने के बाद जैक सभी को उनका रोल बता देता है। वो लोग स्टार वॉर्स की मूवी पर एक पैरोडी बनाने वाले हैं। वो सभी लोग अपना अपना कैरेक्टर जानने के बाद बहुत ही खुश होते हैं। सब कुछ तैयार था। जैक वीडियो के लिए एक बिल्डिंग किराए पर ले लेता है। रात भर शूटिंग चली, सबके लिए कॉस्ट्यूम भी थे, शूटिंग बहुत ही अच्छी चल रही थी तो सब काफी खुश भी होते हैं। शूट खत्म होने के बाद सभी अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन जब वो शूटिंग के लिए आते हैं तो सबने देखा कि एक बुलडोजर उस बिल्डिंग को गिरा रही है। दरअसल वो बिल्डिंग पहले ही बिक चुकी थी, उनके साथ हुआ था धोखा, उनके सारे कैमरे इक्विपमेंट्स सब कुछ उसी बिल्डिंग के अंदर थे। ये सब देखने के बाद सब काफी दुखी हो जाते हैं क्योंकि उनका तो बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था, अब उनके पास दोबारा ये सब खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। इसके बाद सभी कॉफी शॉप पर आते हैं जहाँ जैक काम करता है। जैक अब बहुत ही दुखी और गुस्से में भी है क्योंकि उसने मूवी के लिए एडवांस में पैसे लिए थे और अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं था, और कैमरा भी नहीं है तो शूटिंग भी नहीं हो सकती। इसी बीच एक आदमी वहाँ कैपुचिनो लेने आता है। उसे देखते ही जैक के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो दौड़कर जैक कुछ ढूंढने लगता है। दरअसल जैक के बॉस ने उसे बोला था कि यहाँ कैमरा लगवाया जाएगा और वो कैमरा वो यहीं पर कहीं छिपा कर रखेगा, तो अब वही कैमरा जैक ढूंढने लगता है और उसे वो कैमरा मिल भी जाता है। जिसके बाद जैक सबसे बोलता है कि अब यही कॉफी शॉप हमारी स्टूडियो बनने वाली है, और उसकी बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। शॉप बंद होने के बाद वो अपनी मूवी की शूटिंग वहीं करते हैं। सब बहुत ही अच्छे से चलता है, पर तभी एक कस्टमर आता है। जैक उसे जल्दी जल्दी कॉफी देकर वहाँ से भगा देता है। मूवी की शूटिंग पूरी हो जाती है और उसके बाद सब लोग घर चले जाते हैं। अगले दिन जैक और मेरी का सीन था, इसलिए दोनों बहुत ही ज्यादा नर्वस थे। जैक मेरी को बहुत ही पसंद करता है। मेरी जब सो रही थी तो जैक उसे कंबल से ढक देता है ताकि उसे ठंड ना लगे। अगले दिन सब लोग फिर से शूटिंग करने के लिए आते हैं। शूट होने से पहले जैक और मेरी एक दूसरे से बात करते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि सिर्फ जैक ही नहीं बल्कि मेरी भी बहुत ही नर्वस है। अब थोड़ी देर बाद शूटिंग शुरू हो जाती है। नर्वस होने की वजह से वो सही से एक्टिंग नहीं कर पाते। उनकी एक्टिंग देखकर डेनली भी निराश हो जाता है, पर वो कुछ बोलता नहीं। अब इसी शूट से उन्हें काम चलाना पड़ेगा। वो दोनों शूट खत्म होने के बाद बात करने की कोशिश करते हैं, पर दोनों अभी भी नर्वस ही थे। अब मेरी को भी जैक के लिए फीलिंग्स आ गई थी, वो उसे पसंद करने लगी थी। उसके बाद दोनों घर वापस आते हैं और देखते हैं कि घर में बिजली आ चुकी है, किसी ने जाकर उनका बिजली का बिल भर दिया था। इसके बाद वो टंकी में देखते हैं तो टंकी में भी पानी आ रहा था। ये सोचकर दोनों कंफ्यूज थे कि आखिर ये बिजली का बिल भरा किसने है। तभी उनके ग्रुप के लोग और वो एक्टर्स उनके दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। ये बिल उन लोगों ने ही भरा था। जैक सबसे पूछता है कि ये सब तुम लोगों ने किया है क्या, तो सभी हाँ में जवाब देते हैं और मजाक में बोलते हैं कि अपने घरों में नहा नहा कर हम तंग आ चुके थे, इसलिए तुम्हारे यहाँ पर आ गए हम लोग। फिर जैक पूछता है कि हमारे पास तो पैसे नहीं थे, तुम लोगों ने ये सब किया कैसे। तभी डेनली बताता है कि मैंने अपनी दादी के पैसे चुरा लिए थे। हमारी मूवी की एक्ट्रेस स्टेसी वो पानी और बिजली के पैसे लेने वाले आदमी को जानती है और ये सब बहुत ही कम पैसों में निपट गया है। ये सब सुनकर जैक और मेरी सबको अंदर बुलाते हैं और सब वहीं पर हैंग आउट करते हैं, डांस भी करते हैं और साथ ही बहुत ही इंजॉय भी करते हैं। डेनली थक कर सोफे पर ही बैठ जाता है। जैक और ग्रुप के कुछ लोग गेम खेलते हैं। वहाँ बैठी मेरी स्टेसी से बात करती है। स्टेसी उससे बोलती है कि कल जैक के साथ शूटिंग है। ये बात मेरी को नहीं पता थी। फिर स्टेसी बोलती है कि मैं जैक के साथ काम करने में थोड़ी घबरा रही हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं जैक के साथ थोड़ा प्रैक्टिस कर लूँ। मेरी को ये बात अच्छी नहीं लगती, मगर फिर भी मेरी बोलती है कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर स्टेसी उससे बोलती है कि तुम दोनों तो बस दोस्त ही हो, तुम्हें वैसे भी क्या ही दिक्कत हो सकती है। ये सुनकर मेरी बोलती है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, मुझे उससे शादी थोड़ी करनी है। स्टेसी बोलती है कि कल शूटिंग के दौरान जिस तरह तुम दोनों घबरा रहे थे ना, उससे तो यही लग रहा था कि तुम्हारे बीच तो कुछ चल रहा है। जिस पर मेरी बोलती है कि वो तो बस एक एक्टिंग थी। स्टेसी बोलती है कि चलो आज मैं जैक के साथ प्रैक्टिस करने जा रही हूँ। मेरी उसके लिए हाँ बोल देती है क्योंकि वो मन ही मन सोच रही थी कि जैक स्टेसी को मना कर देगा।
इसके बाद स्टेसी जैक के पास आकर धीमी आवाज में उसके कान में कुछ बोलती है। तभी जैक मेरी की तरफ देखता है और मेरी भी उसे घूर रही थी, तो जैक स्टेसी को हाँ कर देता है और फिर दोनों कमरे में चले जाते हैं। मेरी को ये सब देखकर बहुत ही बुरा लगता है। अब अगली रात शूटिंग के लिए सब लोग तैयार हो जाते हैं। जैक अपने सीन के बारे में क्रू से बात कर रहा था तो ग्रुप का एक मेंबर पूछता है कि आज किसकी शूटिंग करनी चाहिए, लेस्टर स्टेसी का या लेस्टर और मेरी का। ये सुनकर जैक साफ मना कर देता है और बोलता है लेस्टर और मेरी का नहीं, क्योंकि मेरी खुद नहीं करना चाहेगी उसके साथ शूट। जैक ये इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसे यकीन था कि मेरी के दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन मेरी लिस्टर के साथ शूट करने के लिए तैयार हो जाती है। मेरी बोलती है कि आज रात मेरी शूट है। जैक उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मेरी बोलती है कि आज लेस्टर के साथ मेरा शूट है। जैक फिर पूछता है कि क्या तुम मुझसे 2 मिनट के लिए बात कर सकती हो। मेरी बोलती है हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद दोनों अकेले में बात करते हैं और जैक उससे पूछता है कि क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। मेरी बोलती है कि नहीं। जैक पूछता है फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मेरी बोलता है कि तुम जो भी कर रहे हो वही मैं भी कर रही हूँ, एक्टिंग सिंपल। दरअसल मेरी जैक के साथ ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि कल रात जैक ने उसे नजरअंदाज कर दिया था और सीधे स्टेसी के साथ कमरे में चला गया था। मेरी जैक को अपने गुस्से के बारे में नहीं बताती। जैक उससे बोलता है कि तुम्हारा बिहेव अजीब लग रहा है मुझे। मेरी बोलती है कि मेरा बिहेवियर अजीब लग रहा है तुम्हें। अजीब तो तुम्हारा बिहेवियर था, तुमने ही तो ये सब शुरू किया था। जैक बोलता है मुझे लगता है कि तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स होंगी। मैं भी काफी समय से तुम्हारे फीलिंग्स के बारे में सोच रहा था। मेरी बोलती है कि अगर तुम वाकई मेरी फीलिंग्स के बारे में इतना सोचते तो कल रात स्टेसी के साथ तुम कमरे में नहीं जाते। मेरी की बात सुनकर अब जैक को सब कुछ समझ में आ चुका था। वो बोलता है कि स्टेसी ने तो मुझे बोला था कि तुम खुद चाहती हो कि स्टेसी के साथ मैं प्रैक्टिस करूं। मेरी बोलती है कि मैंने उसे ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। इस वजह से दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होता है। गुस्से में जैक बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। तभी मेरी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जैक को रोकने की कोशिश करती है, मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुस्से में जैक चिल्लाकर बोलता है कि मैं अब ये मूवी नहीं बनाऊंगा, और ये बोलते हुए वो स्टूडियो से बाहर निकल जाता है। डैनली उसे रोकने की कोशिश करता है मगर जैक वहां से चला जाता है। अब 3 महीने बाद जैक अब एक कार्निवल में काम करता है। वहां वो सबका वॉकिंग टारगेट बनाता है, वो वॉकिंग वॉशर बनाता है और लोग उस पर निशाना लगाते हैं। पैसे कमाने के लिए उसे ये सब करना पड़ रहा था क्योंकि स्टूडियो छोड़ने के बाद उसने कॉफी शॉप की भी नौकरी छोड़ दी थी। इसी बीच वहां पर डैनली आ जाता है। जैक उसे देखकर खुश हो जाता है। दोनों बात कर रहे थे और डैनली उसका हालचाल पूछता है और ये भी बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद मूवी वैसी अधूरी रह गई, अब तुम्हारी वापसी का वक्त आ चुका है जैक। जैक इसके लिए साफ मना कर देता है। थोड़ा जोर देने पर वो मान जाता है। फिर दोनों डैनली के घर पर आते हैं। वह डैनली की वाइफ को गुस्सा आता है कि वो एक गोरे आदमी को घर कैसे लेकर आ गई। डैनली उसे नजरअंदाज करके जैक को अपने स्टूडियो में ले जाता है जहां मूवी का एडिटिंग चल रहा था। वह डैनली जैक को सच बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरी बहुत ही अपसेट रहने लग गई, उसने भी मूवी का कोई सीन शूट ही नहीं किया। ये सुनकर जैक को एहसास होता है कि मेरी ने ये सब उसके लिए ही किया है। ये जानने के बाद वो मेरी से मिलने जाता है। वो उसके कमरे में गया, मेरी बाथरूम में थी। बाथरूम के बाहर खड़े होकर जैक मेरी से अपने प्यार का इजहार करता है। वो बोलता है कि उस रात मैं स्टेसी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ था, उसे समझाने के लिए मैं उसके साथ कमरे में गया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जैक ये सब मेरी से बोल रहा था कि तभी दूसरे कमरे से लेस्टर नहाकर बाहर निकल आता है। उसे देखकर जैक को लगा कि मेरी और लेस्टर के बीच कुछ तो चल रहा है। वो गुस्से में चिल्लाकर बोलता है तुम दोनों के बीच में जो भी हो इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं अब तुमसे ही प्यार करता हूँ मेरी। जैक चाहता है कि मेरी पूरी जिंदगी अब उसके साथ ही रहे। लेस्टर भी ये सब सुनकर बोलता है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त, मैं तो मेरी को समझा रहा था पर वो मान नहीं रही थी। जैक उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। लेस्टर बोलता है कि मेरी के पास यहाँ का रेंट देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैं यहाँ पर शिफ्ट हो गया और मैं ही रेंट देता हूँ। ये बोलकर लेस्टर अपने कमरे में चला जाता है। लेस्टर के जाते ही मेरी बाथरूम का दरवाजा खोलती है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं। इसके बाद जैक मेरी को अपने कमरे में ले जाता है और वहीं पर दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद वो बाकी की मूवी का सीन भी शूट करते हैं और मूवी बनकर कंप्लीट भी हो जाती है। और मूवी बनाने के बाद सभी अमीर भी हो जाते हैं क्योंकि वो मूवी काफी हिट होती है। और इसी के साथ यही फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको एक कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए द एक्सप्लेन्ड स्क्रीन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।